आगरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार शहर भर में लूट छिनैती जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत थाना सदर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस ने 4 शातिर मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से मोबाइल, सिम और एक तमंचा बरामद किया है। आगरा में बढ़ती लूट छिनैती जैसी आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत थाना सदर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए 4 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही के आधार पर पुलिस ने 29 एंड्रॉयड मोबाइल और 912 फर्जी सिम भी बरामद की है। आगरा पुलिस की थाना सदर टीम ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी COD परिसर के पास से हुई है और उनके पास से 29 मोबाइल, जिसमें कि 28 एंड्रॉयड सेट हैं और एक कीपैड है, और ऐसा बताया जा रहा है किसी मोबाइल का मूल्य 10,000 से कम बाज़ार में नहीं है, और साथ में 912 सिम कार्ड और 2 मोटरसाइकिल, जिसमें एक मोटरसाइकिल थाना इतमाला क्षेत्र से चोरी किया गया था और एक दूसरा मोटरसाइकिल जो इनके किसी परिचित का है। इन दोनों मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते थे ये लोग मोबाइल चोरी के लिए, और साथ में 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस तरह का है कि जो 2 मोटरसाइकिल के पास से बरामद हुए हैं, जिसमें खुद एक मोटरसाइकिल चोरी किया हुआ है, इनका उपयोग ये मोबाइल चोरी के लिए किया करते थे। उसके बाद मोबाइल चोरी कर मोबाइल को अपने पास कुछ दिन रख कर, जब उसका ये सुनिश्चित हो जाता है कि उसको कोई खोज नहीं रहा है, तो फिर उसके बाद ये किसी अन्य को बेच देते थे। और इनके पास जो सिम कार्ड है, ये सिम कार्ड का प्रयोग कुछ गेम्स खेलने के लिए करते हैं और ऑनलाइन कुछ फ्रॉड करने के लिए करते हैं, जिसका ये पुलिस पता लगा रही है। और हमने जितना मोबाइल इनके पास से बरामद किया है, उससे 3 मोबाइल हमारे आगरा से कनेक्टेड हैं और उनका 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुकदमा लिखा हुआ है। इनका जो मेन ऑपरेशन का एरिया था वो सदर, ताजगंज और रकाबगंज था, जहाँ से ये मोबाइल चोरी किया करते थे। सर जी, इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है, चोरी के मुकदमे इनके ऊपर पूर्व से हैं, और भी इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और सभी मोबाइल को कनेक्ट करके इनके विरुद्ध चार्जशीट किया जाएगा। जी, इसमें जो 4 व्यक्ति जो शामिल हैं, उनका नाम है अमन शर्मा, राहुल, मनीष लवानिया और मनीष सोनी। इन तथ्यों पर जानकारी की जा रही है। जो सिम कार्ड बरामद हुए हैं, 912 सिम कार्ड काफ़ी अत्यधिक मात्रा में है, मुमकिन है कि लोग साइबर क्राइम भी करते हों। हमने अभी तक किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं देखा है। उन सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। एक सादाबाद हाथरस का है और 3 आगरा के रहने वाले हैं, और साथ में इनके 2 साथी हैं जो फरार चल रहे हैं, जल्दी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। SPCT विकास कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी बेहद शातिर किस्म के अपराधी हैं। पूर्व में भी इन पर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। चारों अपराधियों को मास्टरमाइंड BTC का छात्र है। यह मौका देखकर लोगों की जेब से मोबाइल पार कर देते थे। बीती रात प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आगे की विधिक कार्यवाही में जुटी हुई है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।